हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। फ्रेंड कैसे हो सब? आई हूँ सब आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप बेटवे ऐप को कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो का स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको भी वीडियो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा भी वीडियो स्किप कीजिएगा। तो फ्रेंड आपसे मैं एक थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को, मेरा 99% लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ ब्रो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड मैं वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड आपको अपने मोबाइल में बेटवे ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद से फ्रेंड आपको करना क्या है, इसको जैसे ही आप ऑन होगा यहाँ पे रजिस्टर का समय जो आप यूज़र आईडी और पासवर्ड डाले थे यहाँ पे सेम उसको डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो उसका लिंक दे दें वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे, आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप लॉगिन कर लेता हूँ यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के जो मैं रजिस्टर का समय यहाँ पे डाला हुआ था। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद से माय अकाउंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। तो सिंपली फिर आपको करना क्या, फिर से आपको थोड़ा सा बैक कर देना है। इसको बैक करने के बाद से यहाँ पे यूज़र आईडी पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको करना क्या, आपको यहाँ पर देख रहे हैं हेल्प वाले एक लोगो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप हेल्प वाले पर आप क्लिक करिएगा तो रीडायरेक्ट करके आपको एक नया वेबसाइट पे ला देगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद से आपको करना क्या है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे यहाँ से रीड कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बॉडी वीडियो भी मिल जाएगा। सिंपली फ्रेंड आपको करना है कि सबसे पहले मैं इसको बैक करता हूँ, उसके बाद से फर्स्ट वाले पे आता हूँ, उसके बाद से दिख रहा है वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से सिंपली फ्रेंड आपको करना क्या है, हाउ डू आई वेरीफाई माई आइडेंटिटी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद से फ्रेंड आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा मेरे स्क्रीन पर। आप यहाँ से देख सकते हैं आपको क्या क्या यहाँ पर अपलोड करना है। तो फ्रेंड इसको आपको अच्छे से तरीके से देख लेना, आपको कैसे क्या करना है इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को इन तक देखते रहिए और फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड, और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो सिंपली फ्रेंड इसको आपको रीड करने के बाद से आपको करना क्या, इसको थोड़ा सा आपको बैक आ जाना। मैं आपको दिखा दूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे यहाँ पर अपलोड करने के लिए या वेरीफिकेशन करने के लिए। तो सबसे पहले इसको मैं आपको थोड़ा सा इसको बैक करता हूँ पहले वाले के बाद से। फ्रेंड आपको करना क्या, यहाँ पर देख रहा है विच डॉक्यूमेंट टू आई नीड वेरीफाई माई अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे वैलिड पासवर्ड, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। सिंपली फ्रेंड आपको देना क्या है, आपको सिंपली फ्रेंड अगर आपके पास पैन कार्ड है या आधार कार्ड है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है यहाँ पे तीन ही डॉक्यूमेंट आपको देना है। आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड, वोटर कार्ड यहाँ पे आप दे सकते हैं और आधार कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे दे रहा है वेरीफाई, ये वाले पे आपको क्लिक कर देना है जो कि ये ईमेल आईडी है। यहाँ पे आपको लिखने के बाद सिंपली फ्रेंड आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक ईमेल लिखना है। यहाँ पर देखिए वेरीफाई डॉक्यूमेंट टाइटल या आपको कुछ इस तरह से आपको लिख देना है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। इतना लिखने के बाद से फ्रेंड आपको जी आपको दिया रहा है कंपोज ईमेल पे, आपको कंपोज ईमेल पे भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिए या किसी कॉपी या डायरी में आपको इसको लिख के आपको जो ईमेल आईडी में स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर आपको अपने ईमेल आईडी से ईमेल करना है। जैसे ही आप मैं लिखा हूँ सेम वैसे ही आपको लिख लेना है। सिंपली फ्रेंड आपको यूज़र आईडी जो यहाँ मेरा यूज़र आईडी दिख रहा है और नाम आपको अपना नाम और अपना यूज़र आईडी दे देना है। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद से आप अपनी गैलरी में आ जाइएगा फ्रेंड। आप जहाँ भी डॉक्यूमेंट आप ना रखें उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सिंपली फ्रेंड आपको यहाँ पे बता दो कि इसको साफ साफ रहना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं रहना चाहिए। तो मेरा जो है स्क्रीनशॉट है तो यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। इसको आपको जैसे ही इसको आप सेंड कर दीजिएगा आपको, इसको पहले मैं इसको सेंड कर दूँ जो मेरा डॉक्यूमेंट है जो इसको यहाँ से मैं अपना आपको अच्छा से इसको पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे एक सेंड कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड करिएगा आपको कुछ देर यहाँ पे वेट करना है, आपको एक ईमेल आएगा। तो फ्रेंड बेटवे ऐप की तरफ से
उसके बाद से मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद से जैसे ही मैं ईमेल आईडी आपको मैं दिखा देता हूँ, तो देखिए फ्रेंड मेरा जो यहाँ पे आ गया द बेटवे वेरिफिकेशन टीम की तरफ से यहाँ पे रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया गया है। आपका जो ईमेल आएगा फ्रेंड आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। तो सिंपली फ्रेंड आपका जो डॉक्यूमेंट आपको सही होगा तो आपको जो वेरिफिकेशन है आप 24 घंटे के अंदर कंफर्म हो जाएगा फ्रेंड। अगर कोई भी दिक्कत हो तो फ्रेंड वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड आपको एक मैं बात बता दूं कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद से 24 घंटे में नहीं कुछ घंटे में ही आपको फिर से एक और ईमेल आ रहा है कन्फर्म का। उसके बाद से फ्रेंड अगर आपका किसी कारण आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, जैसे कि मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ जो कि मैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था जो स्क्रीनशॉट था यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे यू डू नॉट एक्सेप्ट स्क्रीनशॉट, तो आपको फिर से आपको भेजना होगा। तो यहाँ पे जो ईमेल एक और दिया गया यहाँ पर डॉक्यूमेंट @betway.com पे आपको क्लिक कर देना, आपको सेम वैसे ही आपको लिख के और यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट फिर से आपको सेंड कर देना, आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा।